उर्मिला, मैं सोच रहा हूँ अपनी दुकान के इनोग्रेशन पे पहली भाखरवड़ी अन्ना साहब के हाथों बिकवा के उनका भी सम्मान करे तो। तबला तोड़ है? तबला तोड़ आइडिया है महेंद्र। और मैं क्या बोलती हूँ, ये अन्ना ठहरे पुरानी सोच वाले, बराबर ठंडा व्यापारी। तो मुझे नहीं लगता है कि हम उनके प्रतिस्पर्धी है, इस बात से उनको ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जयंत के घर पे तो तू बोली कि अन्ना साहब हमें अपना दुश्मन मानेंगे। हाँ, वो 100% मानेंगे, क्योंकि ए चुप कर तू, अबे क्या दोनों तरफ बोल के मुझे कंफ्यूज कर रही है। सुनिए तो सही महेंद्र, अभी उनका क्या रिएक्शन होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम जाके उनको बताएंगे कि हम गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स के मालिक है और उनके बगल में ही दुकान खोलने वाले हैं। सही है। तो मैं क्या बोलती हूँ, अब भी चलते हैं वहां पर और बात में से बात निकाल के बता देते हैं और देख लेंगे उनका क्या रिएक्शन है। सही बोल रही है जी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें पहले क्यों नहीं बताया, ये सोचकर थोड़े से नाराज होंगे है ना। कपटी कपटी महेंद्र, कपटी लुच्चे हैं हम, ऐसा समझेंगे हमको। कपटी और लुच्चा समझेंगे। गाली गाली गाली, गुस्से में आके एक आध दो गाली वाली दे देंगे। हाँ, गाली दे सकते हैं। हड़ 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 ऐसा करके चप्पल बिप्पल उठा के मारेंगे और क्या। क्या चप्पल, अरे हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं जो हमें चप्पल मारेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, चलिए ना, बड़ा भाई बना लेंगे तो बात बन जाएगी महेंद्र। अरे संभल के आजोबा, अरे मंग्या इनको घर पे छोड़ के आओ। हाँ, सामान बीमान ले लो उनके हाथ में से मंग्या। हाँ संभल के, सीढ़ी संभल के उतरो आजोबा। नमस्ते अन्ना साहब। अरे महेंद्र भाऊ, उर्मिला बहन, नमस्ते नमस्ते। अरे एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, हमारी इस दुकान को 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। अरे वाह। और आपको हमारे शताब्दी उत्सव में आना है। अन्ना ने सबको नाचा दिया है और आज तो हम तो पक्का आएंगे। लेकिन अन्ना साहब, एक छोटी सी विनती है हमारी। अरे बोलिए ना। वो वहाँ कोने में हमारी छोटी सी दुकान कुछ दिनों बाद खुलने वाली है। अच्छा किस चीज की है? आइसक्रीम की है ना? नहीं नहीं अन्ना साहब, गुजराती नमकीन और मिठाई की मामूली सी दुकान है, गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। अरे तुम दोनों गिराक को देखो, महेंद्र भाई जरा रुकना। आओ तुम लगा। ए महेंद्र, ये तो नीचे उतर रहा है, ये मारा मारी करेगा शायद, मारा मारी। जरा मत अभी। ए महेंद्र, ये तो चप्पल निकल रहा है, मैं भी निकल के रेडी रहती हूँ। ना भाई ना आवे, अरे उनकी धोती फंस गई है चप्पल में, देखना डोबी। महेंद्र भाऊ, ये एयर कंडीशन बिर कंडीशन वाली दुकान में आप वो गुजराती नमकीन बेचेंगे, वो ढोकला और खांडवी हांडवा गाठिया फाफड़ा नी फेफड़े और भाकरवड़ी हमारी लहसुन वाली। हाँ लेकिन तो फिर चलेगी नहीं आपकी दुकान जी? बुरा मत मानना, भगवान करे आपकी दुकान बहुत चले, लेकिन ये पुणे है और पुणेरी लोग है ना, वो नमकीन और मिठाई के मामले में, खास करके भाकरवड़ी के मामले में भगवान के भी नहीं सुनते। हाँ वो मुझे डर लगा ही था अन्ना साहब, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपने नहीं सोचा महेंद्र भाऊ, आपने नहीं सोचा। क्या है, यहाँ के लोग बहुत परंपरावादी है, अपनी बरसों पुरानी संस्कृति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करते, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ महादेव पेट में, मैं गलती से भी किसी को परंपरा तोड़ने भी नहीं दूंगा। है ने, बोलो। और हम तो सोच रहे थे कि हम शायद आपके प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे तो आपके लिए खतरा साबित होंगे। प्रतिस्पर्धी
अरे उर्मिला बहन, कितनी बोली हो, प्रतिस्पर्धी बनोगे तो खतरा आपकी दुकान को होगा। फिर भी मैं दिल से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये दुकान कम से कम 6 महीने चले और आपका कम से कम नुकसान हो, क्योंकि नुकसान तो आपका होगा, है कि नहीं, बोलो। हाँ, वो तो हरी इच्छा। अन्ना साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी दुकान के इनॉग्रेशन पे पहली भाखरवड़ी आप बेचेंगे। देखिए, मना मत करना प्लीज। बेचूंगा, जरूर बेचूंगा, अगर महादेव पेठ में कोई गुजराती भाखरवड़ी खरीदने के लिए तैयार हुआ तो। राम राम। राम राम राम। अरे बाप रे। अच्छा, ये अन्ना सीधा बोला, टेढ़ा बोला, धमकी दी के शुभकामनाएं कुछ समझ में नहीं आया। अरे छोड़ ना, अपना काम हो गया ना, तू चल ना चुपचाप, आओ तेरे। देखा देखा अन्ना, देखा कैसे कड़वी दवाई शक्कर में घोल के हमें पिला के गए। अरे कहाँ, उन्होंने इतने प्यार से अन्ना को सम्मान देने के लिए बुलाया है तो। प्रभाकर बाड़ा, तू अपना गाना लिखना, वो समंदर खारा होता है, प्रभाकर बंदर एक हुए। हाथी बंदर। चुप रहे। ओ प्रभाकर दादा, आप ना चुप रहिए। ओ मुख्य गायक के पीछे वाले कोरस, जो मैं गाऊंगा वही तू गाएगा बाद में। मैं अगर चुप रहे बोलूंगा तो तू भी बोलेगा चुप रहे। हाँ देखो, अगर वो अपनी दुकान पे सिर्फ गुजराती व्यंजन बेचेंगे तो दुकान तो चलेगी नहीं, लेकिन अगर गले लगाने के पीछे उनका अफजल खान बनने का इरादा हुआ तो फिर तो हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि की संतान। बाप के नक के धार वाली हमारी बुद्धि से उनके धंधे की पीठ को चीर के फाड़ देंगे, है कि नहीं? आ, मैंने बोला अभी हाँ बोलने को बोला क्या? मैंने बोला नहीं। तो क्यों बोला? अभी बोलो, है कि नहीं, बोलो। हाँ अरे आप लोग इतनी जल्दी स्कूल से आ गए? आज जनरल नॉलेज की एग्जाम थी ना। हाँ हाँ, कैसी रही? फुल मार्क। एग्जाम में ना एक सवाल मेरे अन्ना पे आया था एग्जाम में, ये बताना। सच? हाँ, पूना की 100 साल पूरे करने वाली गोखले बंधु दुकान के मालिक का नाम बताओ। और मेरी क्लास में सबने सही जवाब दिया, बाल कृष्ण गोखले। अगो भाई निर्मिति, भाई 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 अन्ना, उन्होंने खुद भेजा है। वहिनी, भेजा का इशारा ऐसा? अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग वाला भेजा। हाँ हाँ, मैं समझ गई। तो अब समझने लगी है, अब सब अच्छा हो जाएगा। ओ हेलो, डोंट काउंट योर बाकरवड़ी बिफोर दे आर फ्राइड। मंजे, अन्ना ने अचानक सब कुछ बुला के विभावरी बुआ के नाम न्योता भेजा, ये बात कुछ हजम नहीं हुए। विभा दीदी। अभिषेक। कैसी हो तू? अभिषेक तू कैसा? मस्त। अभिषेक। अरे विभा क्या कर रही है तू? वो खड़े खड़े थक जाएगा, उसे बैठने तो दे। वैसे भी तुझे 10-15 मिनट तो लगेगी ना, ना समझ में आया वैसा रोने के लिए। सॉरी अभिषेक, अब मैं बाथरूम में जाके बाद में अकेले रो लूंगी, तू आ जा, तू बैठ इधर। अभिषेक तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। तेरा चेहरा देख के लग रहा है कोई खुशखबरी है। हाँ बता ना। अन्ना ने खास तुम्हारे लिए ये स्पेशल इनविटेशन भेजा है। अन्ना ने मेरे स्पेशल इनविटेशन, हमें आए हैं मेरे जय,
अरे विभा 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 इसको और भी कहीं जगह जाना है, इसके पास टाइम नहीं है। हाँ दीदी सॉरी सॉरी, मैं बाद में रो लूंगी। अभिषेक इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अन्ना ने हम दोनों को माफ कर दिया। हाँ दीदी बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारे दुकान के 100वें जयंती के उत्सव पे तुम दोनों का हमारे परिवार के साथ अच्छे से गठबंधन होगा और हम सबका पुनर्मिलन। इधर अन्ना कौन? मैं प्रिंसेस साहब के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, उन्हें 6 पैकेट्स पेड़े चाहिए थे। जा जाके लाइन में खड़ा हो जा, और तेरे से नहीं बनता ना तो जाके तेरे पैंट से को बोल आके लाइन में खड़े होने को। कौन है अन्ना? आप अन्ना हो? नहीं नहीं, मैं तो मुन्ना हूँ जो अंगूठा चूसता है। ये देखो, और वो जो 60 साल का बच्चा जा रहा है ना लॉलीपॉप चूसता हुआ, वो है 60 साल का अन्ना, वो लॉलीपॉप चूस रहा है। देखे क्या देखे क्या देखे? हाँ अब देखे, 1 बज गया, दुकान बंद। हाँ चलो चलो उर्मिला साहब, यही अन्ना है मेरी भारती के ससुर रियल। दादा नीता जी है, लफड़ा हो जाएगा, शांत रहिए। अन्ना साहब। साहब बेब कुछ नहीं है, चलो नीचे उतरो। मेरा आदमी आया था दुकान पर पेड़े लेने। तुम औरत हो क्या? नहीं वैसे तो औरत लोग पूछते हैं ना, मेरा आदमी आया था क्या? अन्ना ये नेता जी हैं। मुझे मालूम है, वो मेन रोड पे इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। हैप्पी बर्थडे पेंडसे साहेब, और आजू बाजू में दूसरे वो चोरू चक्के जैसे लोगों के फोटो भी लगे हैं। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी अकड़ बहुत कुछ बोल रही है कि मेरे आदमी को खाली हाथ भेज दिया, पेंडसे के आदमी को। हाँ भेज दिया तो भेज दिया, क्या कर लेगा? चश्मा क्या निकलता है? आंखें निकालूंगा तेरी, समझा ना? ना ना ये साहब बेचारे कहाँ कुछ बोले। हाँ बोल के भी क्या कर लेगा? हाँ अरे आंखें दिखा रहा, लाल लाल आंखें देखो इसकी। अरे ये देखो दिन दहाड़े पीके आया है मेरी दुकान पे। तुम्हारी दुकान पे कोई पीके आएगा तो चलेगा क्या? नहीं नहीं अन्ना, इनके यहाँ कोई पीके नहीं जाता, बल्कि इनके यहाँ पीने जाते हैं। बियर बार है ना इनका। से 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 सर माने चाहिए से। क्या भी देख क्या रहा है? जा जा जाके लटक जा होर्डिंग पे, हैप्पी बर्थडे पेंडसे साहेब। मुसीबत को न्योता दे रहा वरना साहेब महंगा पड़ेगा। ए रुक, क्या क्या बोला तू? मुसीबत किसको बोला? जानता है मैं कौन हूँ? क्या हुआ महेंद्र? इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। क्या आखिर क्या दिखा रहा है? चश्मा पहन और निकल ले इधर से। रुक 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 प्रभाकर, इसकी भी फोटो निकाल के लगा इधर, अंग्रेज कुत्ते और फेंड से का प्रवेश निषेध। तो तुम लोग क्या खड़े हो? चार बजे आना अभी, मालूम है ना तुम्हें? सॉरी हाँ सॉरी। उर्मिला ये 4 कस्टमर जो आज वापस गए हैं ना, वो 2 दिन बाद अन्ना की दुकान पे नहीं हमारी दुकान पे आएंगे, और ये होगा अन्ना का लॉस और अपना प्रॉफिट। और तू देखना उर्मिला, मैं उन 4 कस्टमर को 400 कस्टमर में बदल दूंगा। 4000 40000 400 करोड़ 4। अबे चुप रहने डोबी, इतनी तो आबादी नहीं है अपने देश की। अन्ना के इस लॉस को मैं अपने प्रॉफिट में बदल के रहूंगा। उर्मिला तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। अन्ना वो हम BOMBAY बॉम्बे खेल रहे, अब मैं इनको हिलाने की कोशिश करूंगा। नहीं करो करो, आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ। अपमान अपमान करो अन्ना का।
अन्ना ने बोला अपमान। अमोल गप्पाबास, अपमान क्या है तुम लोगों ने नृत्य का? आहो अपमान कैसा, अश्लील तो नहीं था, भले फिल्मी था। तभी तो कहा मैंने अपमान किया है नृत्य का। अरे कोई और गाना बजाते, ये कोई गाना है क्या? गणित की संख्या पे गाना बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और असल में धुन तो मराठी है, लोक संगीत नहीं ना। बता लोक नृत्य देखा है क्या? ए बंडिया बजा, बजा बजा।